सो बेसिकली अगर हम एग्जाम की तैयारी की बात करें तो जिस भी क्लास में अपन है ठीक है, और जब से हमारा सेशन स्टार्ट होता है तब से हम पूरी अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है, पूरा प्रयास लग करते हैं और अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं ताकि अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो बेसिकली कहा जाए तो एग्जाम जब तक नहीं होते उसके पहले तो हम अपनी स्टडी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम टेबल पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रॉपर टिप्स को फॉलो करके हम एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन एक टाइम ये भी आता है जब जिसके लिए हम एग्जाम की तैयारी इतनी जोरों शोरों से कर रहे हैं वही वक्त आ जाता है, मतलब एग्जाम का टाइम आ जाता है। तो अब क्या है कि एग्जाम के टाइम पे हमारे पास वक्त बचता नहीं है, मतलब जितना आपका गैप है एक दिन दो दिन, तो उस पर्टिकुलर गैप में आने वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, मतलब जितना एक या डेढ़ दिन का टाइम बचा है, एक या दो दिन का टाइम बाकी है, उस टाइम पर हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा जोर देना है, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, क्या हमें नोट्स फिर से बनानी पड़ेगी, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें ताकि दो दिन का जो भी समय है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर आने वाले सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए, तो हम उस टाइम पे किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, ठीक है, ताकि हम अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्प्रेसिव होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदुम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। और देखो अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, एक या दो एग्जाम कोई भी एग्जाम आपका हो गया है, मान के चलो कल ही हो गया है, और आने वाले टाइम पे दो या तीन दिन के गैप के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो भी टाइम बचा एक या दो दिन तीन दिन का, ठीक है, उस टाइम पे आपको आने वाले सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है उस पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली टिप ये है, सबसे पहली टेक्निक ये है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसको उठाओ, उसमें क्या ध्यान देना है, समझना मेरी बातों को, उसमें ये चीज देखना है जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये चीज नोटिस करोगे अगर आप मेरी स्टडी प्रिपरेशन की और स्ट्रेटजी वाली वीडियोज अगर आपने पिछले देखा होगा तो हर वीडियो मैंने यही बताया है, ठीक है, मोस्टली चीज बताई कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना, ठीक है। तो अब जब तुमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाना है उसमें यह चीज देखना है कि मान के चलो तुमने 8 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लिए या कि मान के चलो 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लिए, ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब हर साल में किसी न किसी अदर मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो एक सेशन में आपसे एक नंबर का पूछे, दूसरे सेशन में दो नंबर का, तीसरे सेशन में तीन नंबर का, किसी भी सेशन में, मतलब एक पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है जो कि मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीजों को, उन क्वेश्चन को आपको सबसे पहले कवर करना है, समझ रहे मेरी बात। तो जो भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं उन क्वेश्चन को आपको पूरा कवर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, नेक्स्ट टिप ये है कि जो भी आपके हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक, हाई मार्क्स इन द सेंस मान के चलो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स का रखता हो, ठीक है, 6 मार्क्स की वैल्यू रखता है, 7 मार्क्स की वैल्यू रखता है या फिर 5 मार्क्स की वैल्यू रखता है, जो भी हायर मार्क्स की वैल्यू रखता है उन क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, क्योंकि वो क्या करेंगे आपको मोर मार्क्स, मतलब ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को भी आपको फोकस करना है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन चीजों में आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया उनमें आपने देखा होगा कि जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोर मार्क्स के होते हैं, मतलब ज्यादा मार्क्स के होते हैं, उन क्वेश्चन को आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो आपको मार्क्स गेन करने में, इंक्रीमेंट करने में मार्क्स के ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो लॉन्ग टाइप या बोल सकते हैं हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आपका अच्छा फोकस रहना चाहिए। थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको क्या करना है, अपने जो भी टीचर है, मेंटर है, प्रिंसिपल है, ठीक है, कोचिंग टीचर है, वट एवर कोई भी है, जो भी है, उनसे आप बात करिए, ठीक है, कॉल करिए या फिर किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करिए, मतलब कॉल ही तो हो सकता है आपके, क्योंकि आपके पास दो दिन केवल बचे हैं, तो इस टाइम पर आप कॉल करें और उनसे क्या करें, सर प्लीज़ मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें जो कि इस साल इंपॉर्टेंट है, इस साल, समझ रहे हो, जिस साल आप पेपर दें उस साल आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, उस टॉपिक को आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। टीचर से जरूर बात करिए, वो आपको एकदम सटीक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हो मेरी बातों को।
अब तुमने क्या किया, हाई मार्क्स वाले क्वेश्चन भी अचीव किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अचीव किए। अब क्या करना है तुम्हें, जो कि शॉर्ट मार्क्स रखते हैं, ठीक है, शॉर्ट मार्क्स की वैल्यू रखते हैं, 2-3 नंबर की 1 नंबर की वैल्यू रखते हैं, उन क्वेश्चन को अब देखना है। क्योंकि अब देखो, अब यहां तुम्हें क्या करने वाले, अब तुम क्या करने वाले हो, यहां फ्लैश कार्ड का यूज करोगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, आपने नोट्स बनाने के दौरान आपने बनाया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर वक्त हमेशा बताता हूँ कि सेल्फ नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। तो नोट्स बनाने के दौरान जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाई होगी, उस नोट से आपको हाईलाइट करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले, उन चीज़ों को देखना है। और साथ ही साथ जो भी आपके, जैसे किसी का नाम हो गया, किसी कवि का नाम हो गया, या फिर किसी का सत्र हो गया, सेशन हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, इन चीज़ों के लिए आपको फ्लैश कार्ड बनाना है। ये फ्लैश कार्ड आप जब एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपके काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, उन फ्लैश कार्ड का यूज करना है। अब मान के चलो एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, समझ रहे मेरी बातों को। उस बड़े टॉपिक के लिए आपको कुछ ऐसे कीवर्ड पॉइंट, की पॉइंट मिल जाते हैं जिससे कि आपको पूरा आंसर याद रहता है। अब मैं नहीं बता सकता कि कौन से की पॉइंट हो सकते हैं, आपको खुद पता रहता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को याद कर लेता हूं तो ये पूरा आंसर मुझसे रिलेट कर सकता हूं मैं इससे, ठीक है। तो फ्लैश कार्ड का प्रॉपर यूज करना है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये हो सकती है कि अगर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डायग्राम्स या फिर फिगर्स वगैरह आते हैं तो उन चीज़ों में आपको भी फोकस करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप फिगर्स बना देते हो तो कॉपी आपकी नीट एंड वाइज दिखने लगती है, और एग्जामिनर जो होता है डायग्राम्स और फिगर्स के एकदम दीवाने होते हैं, ठीक है। तो डायग्राम फिगर्स अगर आ रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर का भी पूछ रहा है, तो बना दो यार, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उन चीज़ों की प्रैक्टिस, डायग्राम्स और फिगर्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस कर लो और एक एक नज़र मार सकते हो। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो पहले से आप देख सकते हो, ठीक है, पहले से तैयारी कर रखी तो केवल आपको क्या जरूरत होगी देखने की, तो एक बार देख लेना और मतलब रफ वर्क कर लेना उन डायग्राम्स और फिगर्स का। और वेरी मोस्ट है कि एग्जाम टाइम पे मोबाइल को बाहर फेंक दो, मतलब एग्जाम को, मतलब फोन को तो एकदम साइड पे रख दो, ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, मोबाइल को फोड़ना नहीं है, मतलब कि ऐसे नहीं कि मार डालो अब, ठीक है, क्योंकि आप दोस्तों को कॉल करोगे तो वही तो हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए मतलब साइड पे रख दो, मतलब मोबाइल फोन का तो भूल ही जाओ एकदम से, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन स्टडी तुम्हें नहीं करनी, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करोगे तो डिस्ट्रैक्ट होगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और आपके लिए एडिशन में हेल्प कर सकता है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं कंबाइंड स्टडी करने का प्रयास करें। कंबाइंड स्टडी से क्या होता है, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी वो सामने वाला बंदा, सामने वाला फ्रेंड आपका पढ़ रहा है तो आपसे रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, आपसे भी रिकॉल हो जाएगा। एक्टिव रिकॉल मैथड का भी यूज करना पढ़ाई के दौरान, ठीक है। तो आपको कंबाइंड स्टडी जरूर करनी है अगर पॉसिबल है तब, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो पहली बात जो पूरा वातावरण, एनवायरनमेंट आपका स्टडी का हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहे होते वो सारी चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का मतलब प्रीवियस पेपर रहा होगा उस पर फोकस नहीं करना कि मेरा पेपर कैसा गया, पेपर नहीं गया, ठीक है, अच्छा पेपर नहीं गया, इन सारी चीज़ों पे पहली बात तो फोकस ही नहीं करनी, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस बिल्कुल नहीं करनी, अदरवाइज आने वाला जो भी एग्जाम होगा आपका वो चीज़ पूरा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आगे वाले में देखेंगे, जो जितना आपने, जितना अगर आपने मान लो, मान के चलो प्रीवियस पेपर है आपका कमज़ोर गया, ठीक है, अच्छे से नहीं कर पाए, उसका पूरा गुस्सा आगे आने वाले पेपर पे निकाल देना है, ठीक है, पूरी भड़ास, मतलब इतना अच्छा पढ़ के जाना है, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को अगर डेफिनेटली अगर आप यूज करते हो, अगर आप यूटिलाइज करते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान, सो डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूँ कि आपके एग्जाम में आप खुद एक अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।